हेलो बच्चों, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मदर्स ब्लॉक में मेरा आपका स्वागत है और बात तरफ से आशीर्वाद है। देखो बच्चों, आज मैं खाना में क्या बनाने जाने जा रही हूँ। मैं जो देखो चावल बन रहा है और कढ़ी का झोंका देने जा रही हूँ। उसमें मैं मसाला करूँगी और वालोर और बैगन की सब्जी, ग्रीन सब्जी है वालोर और बैगन की सब्जी और गलके की सब्जी, और हमारी भाषा में गलका और तूरिया दोनों भी एक जैसा जी है, वो गलका है वो ग्रीन सब्जी। और उसमें सब मिर्ची और कढ़ी में डालूंगी, वो साग में सब्जी में डालूंगी, वो कढ़ी में डालूंगी, लेमन नहीं, वो टमाटर वो कढ़ी में जाएगा, टमाटर ने सब्जी में जाएगा, वो नीम के पत्ते और अदरक दोनों डालेंगे। उसमें मसाला करूँगी, नमक और हल्दी, थोड़ी सी घी, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा उसमें स्वीट गुड़ जाएगा। मावा का झोंका देने जा रही हूँ मैं वगैरह, और उसमें हरी मिर्ची है वो, अदरक डाल दी है मैंने, थोड़ा सा धनिया पत्ता, वो मेथी है, थोड़ी सी मेथी डाल, मेथी तो खास डालनी पड़ती है, वो मेथी वो डालती हूँ, मेथी और जीरा राय, नीम के पत्ते और हींग, सूखी मिर्ची नहीं थी मैंने नहीं डाली है ना, बच्चों चावल बन गया है, वो चावल बन गया है। देखो कढ़ी भी बन गई है, कढ़ी येलो कलर की बनती है, पर हमें जी ने हमारे घरना का सबको थोड़ी सी उसमें रेड मिर्ची डालनी पड़ती है, अगर उसमें ग्रीन मिर्ची है ना वो डालता है, पर हमें ग्रीन मिर्ची तो डालता ही है और साथ में रेड मिर्ची का पाउडर भी डालते हैं, इसलिए वो रेड बनती है ना, कभी येलो बनती है। हेलो बच्चों, मैं गलके की सब्जी है ना, गलका की सब्जी वो बनाने जा रही हूँ मैं। जीरा राय लहसुन तो खास डालना,
भी थोड़ा सा लहसुन डालेंगे घर में धोखा दे उसमें लहसुन डालना। नमक और हल्दी रेड पाउडर हवेली थोड़ा सा धनिया पत्ता पहले से मैं डाल देती हूँ कि उसमें उसका स्वाद आ जाएगा। थोड़ी सी रेड मिर्च दस मिनट 15 मिनट में वो बन जाएगा मसाला चढ़ जाएगा ना तो बहुत अच्छा बन जाएगा वो। देखो थोड़ा सा टमाटर थोड़ो सो लेमन थोड़ी सी शक्कर और बच्चों में वालो और बैगन की सब्जी वो भी ग्रीन सब्जी है वो बनाने जा रही हूँ मैं। जीरा और राई और हींग बाद में डालूंगी थोड़ी सी देर हींग डालूंगी और वगार में मैं लहसुन की चटनी डालती हूँ दोनों ग्रीन सब्जी है बच्चों के लिए अलग है वो बड़ों के लिए अलग है। टमाटर में मसाला करती हूँ मैं थोड़ा सा लहसुन है ना वो भी डालती हूँ उसमें मसाला करती हूँ और हल्दी रेड मिर्ची टमाटर तो मैंने डाल दिया है वो थोड़ा सा भी डाल दूंगी और धनिया पत्ता और लेमन 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 बहुत अच्छा कोई भी तुम्हारा शरीर में लेमन माफक आ जाए ने लींबू तो खाली एम नाम तुम लींबू खाओ काचू लींबू एम एसिड है लींबू बहुत है तुम्हें शरीर के लिए जो माफक आ जाता है तो लींबू बहुत अच्छा बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। मैं इतनी उम्र है ना मेरी 37 साल की मैं कोई भी खटास खाती हूँ मैं कच्ची केरी और नींबू आमली सब मैं खाती हूँ 37 साल के शरीर ने हमेशा छे ने नबड़ू नहीं बनावानू शरीर ने हमेशा एनी शरीर पास थी काम खूब लेवानू। दूसरा ही કે શરીરને કે ને કામ શરીરને ગુજરાતી ભાષામાં શરીરને પપલાવે એમ કે અમારી ભાષામાં એસા નહીં કરના ખડતલ બનાવવાનું શરીરને બધું ખાવાનું બધું માફક આવવું જોઈએ બચો કૃપી દેના દેખો કેસા બનાવે સા તો બની ગયા હશે
वो बन गया। हेलो बच्चों, मैंने गेहूँ का आटा का लोट बांधती हूँ मैं, और उसमें मैंने तेल का मोयन डाला है और थोड़ा सा तेल लगा कर मैं रखूँगी और सेट हो जाए। मैं इसलिए नहीं बताती लोट बांधने के लिए कि वो मिनट बढ़ जाती है, क्योंकि दो सब्जी है ना, वो चार पांच आइटम बनती है तो मिनट बहुत 15-20 मिनट ही जाती है वो, इसलिए मैं अमुक लोग कम बना कुक में बताती हूँ। देखो बन गया है वो, 10 मिनट के बाद मैं रोटी बनाऊँगी। मदर्स ब्लॉक में आपका स्वागत है, आशीर्वाद है। देखो भाई खाना में क्या बनाया है, देखो वो कढ़ी बनाई है और गलका की सब्जी है, वो गलका की सब्जी बनाई है वो, रोटी, केड़ा और बैगन आलू की सब्जी, बैगन आलू नहीं सॉरी बैगन और वालोर की सब्जी है, बा भूल गई है, और चावल वो सलाद बनाया है, प्याज का सलाद है। देखो हमारा गर्मी हो गई है ना चालू, तो हमारा मगज बढ़ गया है। देखो हमारा कान कार्टून को देखो बाका, उसका मगज बढ़ गया है क्योंकि गर्मी चालू हो गई। देखो मैंने बाए फूल थाली बनाई है, देखो मेरा खाना अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करवानों ने शेयर करवानों बच्चों भूलता नहीं, सब्सक्राइब तो कर दो ने शेयर कर दो। बाय बच्चों।